अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मवेशी ऑनलाइन से मैं आपका मेजबान बिलाल खान एक बार फिर हाजिर है। इस बार हम किसी कैटल फार्म से नहीं बल्कि बहुत सारे कैटल फार्म यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मैं मौजूद हूँ सोराब गोड मवेशी मंडी के अंदर, जो कि बड़ी फेमस जो है वो एक मवेशी मंडी है, और एशिया की अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ी मवेशी मंडी तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर मौजूद हूँ लेकिन शाह मोहम्मद कैटल फार्म, जाओ हम अपने हर तीन सीजन के अंदर ये दिखाते रहे आपको कि ये साहिवाल से आते हैं। ये जो कैटल फार्म है ये बेसिकली बेस करता है साहिवाल के अंदर, और साहिवाल से हम आते हैं, ये आते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, बछड़ों के साथ, बड़े खूबसूरत मुनफरिद किस्म के बछड़े यहाँ पर होते हैं, उनको लेकर आते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि उन बछड़ों की जो हाइट होती है वो इस मंडी के अंदर सबसे ज्यादा हाइट वाले बछड़े इनके पास मौजूद होते हैं। और एक खसूसियत और है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनकी जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज होती है, जो किरदार होता है उनका, एक आप देखते हैं आपको पता चल जाता है कि ये इमरान खान साहब हैं, ये नवाज शरीफ साहब हैं, ये दूसरे शहबाज शरीफ साहब हैं जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये उनकी मुनासबत से उनके नाम भी रखते हैं, जो हमने आपको लास्ट सीजन के अंदर भी दिखाया था। आइए जी अंदर चलेंगे और मुलाकात करेंगे असलम साहब से भी। और शाह मोहम्मद कैटल फार्म के अंदर इस बार सबसे बड़ा बछड़ा कौन सा है, अगर उसने लात नहीं मारी तो आपको जरूर दिखाएंगे। आइए जी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, की हाल है? शुक्र अल्लाह पाक का भैया, आप सुनाए। आपके साथ हमेशा हम हर सीजन के अंदर प्रोग्राम करते हैं, और उस प्रोग्राम के अंदर सबसे ज्यादा मजेदार बात ये होती है कि आपके पास जो बछड़े होते हैं बड़ी तवील कदो कामत, और अभी आपके पीछे भी जो बछड़े खड़े हुए हैं आपकी हाइट से भी ज्यादा बड़े हैं बछड़े। साहिवाल के अंदर ये बछड़े बड़ी तेजी से पलते फूलते हैं। कैसा जबरदस्त मौसम था वहाँ का जब यहाँ आए? माशाल्लाह जी मौसम अच्छा था, यहाँ का मौसम वहाँ से भी अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा जी, पिछले साल तो हमने आपको नाज़रीन बताया था कि असलम भाई जो ये शाह कैटल फार्म है ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के बछड़े रखते हैं, इस बार क्या नई चीज़ लेकर आए? पिछली बार मुझे याद है सारे सियासतदान लेकर आ गए थे आप। इस दफ़ा भी माशाल्लाह सारे सियासतदान इकट्ठे किए हैं भैया। अच्छा जी, कौन कौन से सियासतदान हैं नाज़रीन को ज़रा बताएं। ये है इमरान खान, इसके साथ ये शहबाज शरीफ खड़ा है, अभी इसके बाद आपको दिखाएंगे इमरान खान। इमरान खान जी ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ भी साथ खड़े हुए हैं। चलें जी इन्हीं से शुरू कर लेते हैं, इधर आ जाएं नाज़रीन, ये देखें जरा जी, मैं इनके बीच में भी खड़ा हो जाऊँ तो ये फिर भी बड़े ऊंचे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डर भी लगता है, बड़ी लाते खाई हैं, बड़े जो हैं वो धक्के खाए हैं इनसे, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं। ये कौन सी ब्रीड है? ये क्रॉस में बछड़ा है माशाल्लाह। क्रॉस में, ये वही साहिवाल का ही है? साहिवाल और ऑस्ट्रेलियन का क्रॉस में है। अच्छा जी, तो ये इनकी हाइट इतनी ही जाती है? नहीं, ये कुछ की जो हमारी कुछ दोस्तों के फार्मों से बड़ी बछड़े खरीदते हैं, हम उनको पालते हैं, ये बड़ी ब्रीड के बछड़े होते हैं। अच्छा, तो इसको कितना अरसा हो गया साहिवाल में रखते हुए पालते हुए? ये इसको तकरीबन 3 साल हो गया माशाल्लाह। 3 साल से ये पल रहा है जी। इसका नाम इमरान खान? नहीं, ये नवाज शरीफ है, साथ में शहबाज शरीफ। अच्छा जी नाज़रीन, ये इमरान खान साहब बाद में आएंगे, इनको एक साथ खड़ा नहीं करते, लड़ पड़ेंगे भैया। भाई ये नवाज शरीफ है, ये शहबाज शरीफ है, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये ज्यादा तंग तो नहीं करते? ये कम तंग करते हैं, जो इमरान खान बहुत ज्यादा तंग करते हैं। खान साहब मानते नहीं है ना, अपनी करते हैं, अपनी करते हैं भैया। अच्छा जी, ये देख रहे हैं आप साहिवाल का बछड़ा है मुनव्वर, आप जरा क्लोजअप दिखाएं, तो बड़ा खूबसूरत ये बछड़ा है, और इसका मुझे लगता है कि आज डील हो ही जानी है। असलम भाई अभी तक इसकी डील हुई है? हाँ, अभी बात चल रही है 2-4 पार्टियों से, जिसके नसीब में होगा उससे बात हो जाएगी। ठीक है जी, जरा इस पर आ जाए, इस वाले के हवाले से भी जानना चाहूंगा। ये असलम भाई ये कौन सी ब्रीड है? ये चोलिस्तान के क्रॉस में बछड़ा है भाईजान। ये तो सांस भी ले रहे हैं तो पूरा हेयर स्टाइल खराब कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। बड़ी बड़ी जान है भाई माशाल्लाह, बड़ी जान है। इसको कितना अरसा हो गया? 3 साल हो गया, बच्चे लिए थे तीनों माशाल्लाह एक साथ में। तो आप बच्चे लेकर पालते हैं, वो फिर बड़े होते हैं, फिर यहाँ कुर्बानी के लिए लेकर आते हैं? यहाँ पे लाते हैं भैया। ये जब वहां से लेकर आते हैं साहिवाल से हर साल, तो ये तंग करते हैं यहाँ पर आके मौसम में? नहीं, यहाँ का मौसम वहां से अच्छा होता है, यहाँ आके ये ज्यादा खुश होते हैं माशाल्लाह, यहाँ ज्यादा खुश होता है। अच्छा, वजह क्या है कि आप यहाँ पर नहीं पालते, यहाँ कोई कैटल फार्म नहीं है, वहीं पालते हैं, वहीं बड़ा करते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, फिर यहाँ लेकर आते हैं? वहाँ यहाँ महंगाई ज्यादा है, वहाँ थोड़ा खर्चा कम होता है, इसलिए। देख रहे हैं आप, बहुत गुस्से में जनाब, कैसे हैं आप जनाब? बिल्कुल बात नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ गुर्रा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा भी इंटरव्यू ले लो, सिर्फ असलम का इंटरव्यू ले जा रहा हूँ। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? इस बार तैयार हैं कुर्बानी के लिए? अच्छा, नो लिफ्ट का साइन, लेकिन तिरछी तिरछी नजरों से देख रहे हैं। ये जरा एग्रेसिव होते हैं, ये गुस्सा करते हैं, भागते दौड़ते हैं ऐसे? ये तो शरीफ लोग हैं। ये शरीफ लोग है, वाकई सही बात की है, शरीफ खानदान है। हाँ जी, और इमरान खान आएगा तो फिर वो तो हलचल मचाएगा।
चले जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं असलम भाई, अभी आपके पास इस पूरे कैटल फार्म के अंदर कितने जानवर मौजूद हैं, इस बार कितने जानवर लेकर आए? अभी माशाल्लाह जी 100 जानवर लाए थे, अभी 75 जानवर मौजूद है माशाल्लाह जी। 25 सेल हो चुके हैं, कितने दिन में हो गए? अभी मुझे आए हुए 10 दिन हो गए माशाल्लाह। 10 दिन के अंदर 25 जानवर सेल हो गए। अच्छा ये वाला हो गया? नहीं नहीं अभी 2-4 पार्टी से बात चल रही, जिसके नसीब हो गए इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा कराची के अंदर मैंने देखा है नाज़रीन के, कराची के अंदर लोगों को कुर्बानी का जो जज्बा है ना वो दीदनी है, वो और जगह पे है जज्बा, लेकिन कराची के लोगों में जज्बा ज्यादा है ज्यादा। यहाँ भाई ये तो इतना शौकीन लोग हैं इनका, तो ये तो बीवी बच्चों को छोड़ के इधर आ जाते हैं। कराची वाले जैसा कोई नहीं है ना? कराची जैसा कोई नहीं भैया। हाय हाय क्या बात है जी, कराची जैसा कोई नहीं और कराची के लोगों जैसा भी कोई नहीं है। तो आते हैं लोग फैमिलीज के साथ आते हैं? फैमिलीज के साथ आते हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह उनके लिए तो ये साल बाद मेला लगता है, तो इसलिए। तो अभी लोग आ रहे हैं, रिस्पांस कैसा है? अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा रिस्पांस है। तो अभी ये जैसे शाम की टाइमिंग है, यहाँ इस वक्त लोग आना शुरू होते हैं, क्योंकि दिन में जरा सी गर्मी होती है, होते हैं रात को 9-10 बजे यहाँ रात शुरू हो जाता है फिर माशाल्लाह ये। तो आपने तकरीबन सारे बछड़ों के नाम रखे हुए हैं? हाँ तकरीबन सब बछड़ों के नाम। अच्छा मुझे ये चीज़ बड़ी खूबसूरत लगती है कि जितने इनके पास बछड़े मौजूद है ना, सबकी मुनासबत से, सबकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उस हिसाब से एक ना एक बड़ा खूबसूरत नाम रखा होता है। और भी बछड़े देखना चाहूंगा, और कोई ऐसी चीज़ है आपके पास, कोई ऐसा बछड़ा जो सबसे ज्यादा शरारती हो? आपको अभी दिखाते हैं भैया, इमरान खान आएगा ना खान साहब के लिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, थोड़े दूसरे बछड़े देखते हैं, क्योंकि मैं वहां पर देख रहा था पीछे, अभी मुनव्वर दिखाएंगे आपको हमारे कैमरामैन, के वो एक कुछ बछड़े हैं जो बड़ी लंबी चौड़ी उनकी जो है वो तवील कदो कामत है, हाइट बड़ी ऊंची है और हैं बड़े खूबसूरत। इनकी जो स्किन है उस पर शाइन की वजह क्या है? इसको देसी खिलाई पिलाई करते हैं इसलिए शाइनिंग ज्यादा होती है हमारा माल। अच्छा एक वो भी होते हैं फार्मर्स के, वो स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, उससे वो साइज बढ़ता है, वो तो नहीं करते आप? हम तो देसी साहिवाल के देसी लोग हैं, देसी खाना खिलाते हैं। देसी खाने में क्या क्या खिलाते हैं? हम इनको गंदम का दलिया वगैरह यही ज्यादा खिलाते हैं। ठीक है ठीक, चने की अट्टी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, दूध पिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं इनको। सरसों ये जो शाइन आती है मक्खन से आती है? हाँ जी, मक्खन से आती है और सरसों के तेल से आती है। ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है भाई आजकल, तो महंगाई भी हो गई है, चीज़ों के रेट भी बढ़ गए, तो उसी हिसाब से खिलाते हैं जितनी इनकी डाइट होती है? हाँ वो उतने खिलाते हैं, वो तो फिर हर चीज़ महंगाई है तो ये महंगे। ये जो गुस्से वाले जनाब हैं ये कितना खा जाते हैं एक दिन में? ये तकरीबन 2500-3000 रुपये खर्चा है इनका एक दिन का। 2500-3000 रोजाना का? रोजाना का भैया, पूरा साल इसी तरह पलाई होती है? पलाती है। क्या बात है जी, आधे जी आगे चलेंगे, कुछ और बछड़े भी हैं आपको दिखाते हैं और बड़ा मजा आने वाला है इस शो को, आपने मिस नहीं करना है। जी नाज़रीन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चारों बड़े खूबसूरत बछड़े खड़े हैं और चारों लाल हैं, लाल साहिवाली कहलाते हैं, अगर मैं गलत नहीं तो ये लाल साहिवाली कहते हैं ना? हाँ जी साहिवाल, प्योर साहिवाल की ब्रीड है ये। अच्छा तो ये साहिवाल में ही पैदा होते हैं, वहीं पलते बढ़ते हैं, वहाँ की ब्रीड है? हाँ जी ये साहिवाल की ब्रीड है, वहीं ये पैदा होते हैं, वहीं जा। इनकी खासियत क्या है? ये नस्ल में बहुत अच्छे होते हैं और शरीफ बहुत होते हैं, मतलब गुस्से के तेज नहीं होते, मारते वरते नहीं, मारते वारते नहीं, बहुत बच्चों को पसंद होता है ना, गाड़ी में से बछड़े उतर रहे होते हैं, खूब शोर शराबा करे, खूब मारे घुमाए नचाए, बच्चे बड़ा मस्ती करते, ये वो नहीं है? ये हर कुछ बच्चे होते हैं जो शरीफ होते हैं उनको शरीफ जानवर चाहिए, और कुछ को वो तो बड़े चितकबरे चाहिए होते हैं, बड़े चुलबुले चाहिए होते हैं। हाँ जी ये वो भगाते भी हैं, तो ये भागते दौड़ते हैं? ये कम भागते हैं, मतलब ये मासूम है, मासूम। बच्चा वो रस्सी पकड़ के खुद भी चला सकता है, अब्बा पीछे चल रहे हो? हाँ जी ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा जी इनके हवाले से मैं जानना चाहूंगा, इनको कौन सा मौसम ज्यादा पसंद है? साहिवाल का मौसम खासा डिफरेंट है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, कराची का थोड़ा मुख्तलिफ है, ये रह लेते हैं कराची के मौसम में भी? ये वहाँ पंजाब का मौसम सर्दी गर्मी होती है, चार मौसम होता है पंजाब में, इसलिए इनको कोई मसला नहीं, ये साहिवाल की ब्रीड है, ये मौसम इंजॉय करते हैं। अच्छा इनकी भी मैंने देखा बड़ा खूबसूरत इनकी जो है वो कदोकामत है, ये खाने पीने में वैसे ही है मस्त, उसी तरह 2-2.5 हज़ार रुपए का खर्चा आ जाता है? तकरीबन 2500 रुपए एक जानवर का रोज का खर्चा है, अच्छी खिलाई पिलाई में, कहने को तो बहुत कुछ होता है लेकिन हम अच्छी खिलाई पिलाई करते हैं। अच्छा ये इनके बारे में बताएं, ये चारों क्या जोड़ी है पूरी एक? हाँ जी ये वो 2 ब्राह्मण में है और ये 2 साहिवाल में है। क्या हाल है आपके, बड़ा जबरदस्त आपने जो है वो नथ पहनी हुई है, कैसे हैं भाईजान? अभी तक इतने एपिसोड कर चुका हूँ, इतने सीजन कर चुका हूँ मवेशी ऑनलाइन के, एक भी ऐसा बछड़ा नहीं मिला जिससे मेरी दोस्ती हो जाए, मुझे लगता है शायद कि कोई मसला है यहाँ पे, ये दोस्ती वोस्ती क्यों नहीं करते मुझसे?
अब मेरे ख्याल में आपको इमरान खान से दोस्ती करनी पड़ेगी। इमरान खान तो हम आपको नाज़रीन, इमरान खान जो इनका बछड़ा है खास, वो आपको आखिर में दिखाऊंगा, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ बार बार आपने चैनल चेंज नहीं करना है, आज देखना है बैठकर, बड़ी तफरी और मस्ती होने वाली है यहाँ पर। ये दोस्ती नहीं करेगा मुझसे? ये तो आपसे दोस्ती कर लेगा, इमरान खान से आपकी दोस्ती मुश्किल से होगी। खान साहब से वैसे भी मेरी जो है ना वो बन जाती है, अच्छी बन जाती है। चलो आज पता चलता है मेरे भैया। ये कौन सी नस्ल है? ये ब्राह्मण नस्ल है भाई, ब्राह्मण नस्ल। अच्छा, ब्राह्मण नस्ल मैंने देखा है लोगों को काफी पसंद होती है, उसकी वजह क्या है? इसके कान बड़े होते हैं, ये बहुत बड़ी। मुनव्वर जरा दिखाएं इसके कानों को, दिखाएं ये कान इसके बड़े होते हैं और ये सारी बातें सुन लेता है, जो हम बात कर रहे हैं वो भी अच्छे से सुन लेता है और जो दूर जाके बात करेंगे वो भी सुन लेगा, ये याद रखें। तो कान बड़े होते हैं इसके? कान भी बड़े होते हैं, ये कद्दो कदाम में से बड़ा होता है। इसके कुहान भी बड़े खूबसूरत होते हैं, कुब होते हैं? हाँ कुब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ये झूलते रहते हैं इधर से उधर जब चलते हैं। हाँ जी, बहुत एंटिक चीज है ये। बच्चे जो आते हैं, फैमिली जो आती है, वो पसंद करते हैं ब्राह्मण नस्ल? सबसे ज्यादा ब्राह्मण को पसंद करते हैं भैया। हाँ, तो ये दूसरा ये वाला भी जो है वो असलम साहब, ये भी ब्राह्मण है? ये साहिवाल में? ये साहिवाल जी। अच्छा, वो दोनों साहिवाल के थे, ये ब्राह्मण है और ये साहिवाल जी। ये चारों का मैं देख रहा हूँ एक चीज मुनव्वर, खास तौर पर कोई इसके ऊपर जो है ना वो कोई चितकबरापन नहीं है, कोई और कलर नहीं है, बिल्कुल लाल है। इसकी कोई खास वजह? ये खास ब्रीड है? हाँ, ये खास ब्रीड है, ये प्योर साहिवाल में है। तो प्योर साहिवाल जो होते हैं वो लाल होते हैं? वो लाल कलर में होता है साहिवाल, जो काला नीला पीला सफेद कलर नहीं होता। वो चोलिस्तान में देसी में कलर आते हैं, साहिवाल में एक रेडी कलर है। तो इसकी खासियत ये भी है कि लोग जिनको लाल बछड़े या बछड़ियां चाहिए होते हैं, जो बड़ा खूबसूरत कलर है, तो फिर ये लाल कलर के लिए साहिवाली ही पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, साहिवाली पसंद करते हैं। कराची के अंदर अगर मैं पूछूं आपसे कि जब आप साहिवाल से यहाँ पर आते हैं तो कराची वालों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? लेकिन आपने जवाब अभी नहीं देना है, मैं जाऊँगा एक वक्फे की तरफ। आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, वक्फे से जब वापस आएंगे बड़े मनचले और बड़े चुलबुले यहाँ पर बछड़े मौजूद हैं, जैसे ये जनाब जा रहे हैं पीछे। जनाब इधर 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 ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन जब तक इनसे दोस्ती करेंगे, अरे सर एक मिनट ना, सर बात तो सुने। सर दोस्ती हो गई है, गले लग जाएं, ईद मुबारक, हो गई है दोस्ती, आप जाएं ब्रेक पर, ब्रेक से जब वापस आएंगे खान साहब दिखाएंगे आपको। गुलाबी हो मैं तो लेकर आऊंगा तुम्हें अपने प्रोग्राम के अंदर। असलम भाई ये माशाल्लाह से इतना खूबसूरत, ये पकड़ो जरा इसको, कहीं भाग ना जाए, ये मुझे आज इसका इंटरव्यू करना है, मैंने आज इसे डील कर ली है। ये इतने खूबसूरत ये तीन बछड़े हैं, ये गुलाबी हैं? ये तीनों माशाल्लाह क्रॉस में गुलाबी बछड़े। इनकी खासियत क्या होती है? गुलाबी नाक या गुलाबी आंखें होती हैं? इसकी गुलाबी आंखें देखें, इसका चेहरा देखें, आंखों पे चश्मे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह। ये भी साहिवाल की ब्रीड है? हाँ जी, हमारे साहिवाल की ब्रीड है। अच्छा, क्रॉस में ये मैं आपको दिखाऊं, गुलाबी खूबसूरती देखें। मुनव्वर जरा सा जूम करें मेरे साथ, देखें कौन ज्यादा गुलाबी है, मैं या ये? आप बताएंगे फीडबैक देके, यही ज्यादा गुलाबी है, यही ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा, बड़ी खूबसूरती की निशानी है गुलाबी नाक, लोग पसंद करते हैं इसे? हाँ माशाल्लाह जी, हम तो इनको बच्चों की तरह रखते हैं, बड़ी मेहनत से इनकी देखभाल करते हैं और वहाँ से इनको लाने के लिए बड़ा मकबूल इंतजाम करते हैं। बड़े मुश्किल होती है वहाँ से साहिवाल से लाने, बहुत ज्यादा मुश्किल, जानवर है परेशान हो जाता होगा, डिस्टर्ब हो जाता होगा? बिल्कुल, बहुत डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन हम इनका बच्चों की तरह नहीं लाते हैं, बहुत एहतियात से ख्याल से। बच्चों का जिक्र किया है असलम साहब ने, मैं जरा जानना चाहूंगा, जब ये आप 3 साल पहले बता रहे हैं 3 साल से पालते हैं, 3 साल पहले जब इन्हें खरीदते हैं लेते हैं, ये शरारतें भी करते हैं, मस्तियां भी करते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, कभी बीमार होते हैं, नाराजगी का इजहार भी करते हैं, ये सारी चीजें समझ में आती हैं? बिल्कुल जी, हम तो इनको देख के हमें तो अंदाजा हो जाता है इनको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा जी, चले
लेट सपोज ये हमारा गुलाबी जो है जो पीछे भाग रहा है, ये नाराज है, बीमार है, कैसे बताएगा बीमार है? ये इनको देखने इसकी आंखों से पता चल जाता है भैया। अच्छा मैंने जाना है ये आंखें कैसे बता दी कि आंसू निकलना शुरू होते हैं? हाँ आंसू भी आते हैं, कुछ आंखें ढीली हो जाती है इसलिए हमें पता चल जाता है। और जब सबसे ज्यादा खुश होते हैं तब क्या करते हैं ये? जब इनको ये चलाएंगे तो जो भागते हुए आए उछलेंगे कूदेंगे बच्चों की तरह माशाल्लाह। अच्छा जी चले जी इस वाले बछड़े पर भी आएंगे जिसकी मैंने बात की थी कि डील कर ली थी मैंने कि आज तुम्हें टीवी पे लेकर आऊंगा। असलम भाई इधर आ जाए इस वाले पे, ये बिल्कुल जो है ना नो लिफ्ट कर रहा है, मैं पकड़ लेता हूँ, इधर दे दो मुझे दे दो। जनाब इसका नाम क्या रखा है पहले? इसका नाम हमने रखा हुआ है शेख रशीद। ओह माय गॉड शेख साहब होंगे, वजह क्या है? बस ये उनकी तरह दबंग है, दबंग है माशाल्लाह, किसी से डरते नहीं है बस। अच्छा शेख साहब तो बड़ा पसंद करते हैं टीवी पे आना, ये तो पीछे क्यों भाग रहे हैं भाई, क्यों नहीं आ रहे? अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है? नहीं अभी ये आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? ये तो कहते सबसे आगे मुझे लाओ टीवी। अच्छा जी जब भी मैंने कहा था डील की थी मैंने कहा यार आज टीवी पे पीछे भाग रहे थे लेकिन अब आ ही गया, शर्मीला है लेकिन आ गया, पीछे भाग रहे। अच्छा इसकी जो स्किन है मुनव्वर जरा सा इधर आके दिखाएं, इसकी स्किन दिखाएं, इस पर जरा सी बात कर लेते हैं माशाल्लाह से, बड़ी एक शाइन आपको नजर आ रही होगी और बड़ा खूबसूरत इसका टेक्सचर है, ये गुलाबियों का टेक्सचर ऐसी होता है स्किन का? हाँ जी बिल्कुल जी, जो गुलाबी होगा उसका जो स्किन होगी वो बड़ी साफ सुथरी और साफ जबरदस्त होगी माशाल्लाह। इसको कितना वक्त हो गया आपके पास? इसको तकरीबन 2.5 साल हो गया। 2.5 साल से आपके पास है, शरारते करता है ये? पहले करता था अब तो इसको नकेल डाल लिया ना। हाँ। वैसे तो ये काबू में नहीं आते भाई, काबू में नहीं आते इतने बड़े शेख साहब, वैसे काबू में नहीं आते हैं वो भी नहीं आते जिनको भी उनको भी नकेल डाली हुई है। अच्छा इसकी कोई खास वजह? लोग मुझसे पूछते हैं आपका, जब मैं प्रोग्राम करता हूँ आपके पास आता हूँ, पिछले साल भी आए उससे पहले भी तीनों सीजन में आते रहे, पॉलिटिशियन का नाम रखने की कोई खास वजह? बस यार हमारा शौक है पॉलिटिशियन का नाम रखना। सारे पॉलिटिशियन पसंद है? सारे पसंद है। हाँ। इसीलिए सारे पॉलिटिशियन के नामों पे आपने बछड़े रखे हैं? हाँ माशाल्लाह। तो जब लोग आते हैं खरीदने के लिए तो आप बता दें भाई ये शेख साहब हैं, वो खान साहब हैं, वो शरीफ साहब हैं? हाँ भाई वो हम तो बताते हैं उनको। अगर कोई मुखालिफ पार्टी का आ जाए फिर क्या वो पसंद ही नहीं करेगा? अपने अपना जो उसको जो अच्छा को वो नाम रख लेगा, उसकी चॉइस है ना। क्या बात है जी, शेख साहब के जो फैंस हैं, शेख साहब लव यू। शेख साहब ये देखें बहुत खूबसूरत ये बछड़ा है, क्या पता शेख साहब ही आ जाए लेने, दे देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे? मुनासिब कीमत में देंगे, फ्री में दे देंगे? नहीं मुनासिब कीमत देंगे, फ्री में, उनके उन्होंने कौन सा फ्री में कोई काम किया है। जनाब कैसे हैं, खैरियत से हैं? डरने की कोई बात नहीं, देखा बच्चे ने पकड़ा था, इसका मतलब आप बिल्कुल सुकून से हैं। सर मैं आपसे बात करने आया हूँ, थोड़ी सी बात, 2 मिनट चाहिए आपके, बस 2 मिनट। मुनव्वर ये क्या हो रहा है, जिस बछड़े के पास हम जा रहे हैं वो दूर भागता चला जा रहा है, ये मसला क्या है, आज अच्छा नहीं लग रहा है क्या तैयार होकर? सर मैं आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं, आप ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप गुलाबी हैं, आंखें भी गुलाबी हैं, नाक भी गुलाबी है। असलम भाई जरा इधर आके इसके बारे में बताएं, ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, सफ़ेद और काला इसका स्किन टेक्सचर है और बड़ी खूबसूरत गुलाबी नाक है, ये कौन सी ब्रीड है? ये साहिवाल में क्रॉस बछड़ा है माशाल्लाह जी। तो क्रॉस बछड़े, एक क्रॉस किसका कराते हैं? ये साहिवाल की गाय होती है और फ्रीजन बछड़ा होता है, ऑस्ट्रेलियन बछड़ा होता है, ये होता है। तो फिर ये इसी तरह जैसे तवील कदो कामत के ऑस्ट्रेलियन बछड़े की निशानी है? निशानी भाई इसीलिए क्रॉस में होता है। साहिवाल जो खूबसूरती होती है स्किन की वो इसमें आ जाती है, वो इसमें आ जाती है इसलिए अच्छे। क्या बात है भाई, बाप जो है वो ऑस्ट्रेलियन है और माँ साहिवाली, और बच्चा देखें कितना खूबसूरत है, ये देख रहे हैं आप। तो ये जरा एक्टिव होते हैं या जैसे ऑस्ट्रेलियन बच्चे होते हैं खामोशी से खड़े रहते हैं अपनी अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, साहिवाली थोड़े से एक्टिव होते हैं, तो फिर ये कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं, उछलते कूदते हैं या अपनी जगह सुकून से खड़े रहते हैं? ये कभी सुकून से खड़े रहते हैं, कभी दोनों ही नस्लें क्रॉस, कभी माँ के ज्यादा चीज आ जाती, बाप की ज्यादा आ जाती, आज कभी उधर कभी उधर। इनके बारे में एक बात ये भी है, अभी लंपी स्किन बहुत ज्यादा फैला हुआ था और पंजाब में भी काफी ज्यादा फैला हुआ था, आप साहिवाल से आते हैं लेकर वहां पे जो सिचुएशन थी, तो आपके बछड़ों पर तो वो सिचुएशन असरअंदाज नहीं हुई, वो बीमारी तो नहीं आई बछड़ों में? नहीं हमको यहाँ जब कराची में लंपी स्किन शुरू हुई थी हमने तो कराची में लाके बेचने थे, तो हमने उसी वक्त सिंध गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन दी तो हमने वो साउथ अफ्रीका से मंगवा के हमने वैक्सीन पहले ही करवा ली। ठीक है जी, हुकूमत की तरफ से कोई मदद मिली इन चीज़ों में, सपोर्ट मिली? नहीं सिंध हुकूमत वालों ने तो बहुत अच्छा इकदाम किया, पंजाब वालों ने अभी नहीं किया। ठीक है, सिंध हुकूमत ने तो बड़ी तेजी से इसके ऊपर काबू पाया था, बहुत अच्छी बहुत तेजी से उन्होंने इस पे काबू पाया है। ठीक है जी, नाज़रीन आपने देखा कितने खूबसूरत इनके पास साहिवाली क्रॉस बछड़े भी हैं, गुलाबी भी हैं और बनमन भी हैं और दूसरे जो नस्ल होती है वो सारी नस्ल दिखाएंगे, लेकिन अभी हमने आपको दिखाया नहीं है सबसे ज्यादा चुलबुला बछड़ा। चुलबुले बछड़े के हवाले से ये छोटी सी बछिया पीछे घूम रही है, क्यों ना आपको
ये दिखाते हैं। असलम साहब ये छोटी वाली बच्चियां यहाँ पर ले आए भाई, मंगवा ले। ये ऐसी घूमती रहती है, ये बछड़ा है कोडू। अच्छा, इतना छोटा है कि मुझे बच्चिया लग रही थी, लेकिन ये है बछड़ा। ये क्या, वो घेना है? ये घेना बछड़ा है। घेने के लिए आपको मैं एक बात बता दूं, आपको याद होगा नाजरीन, घेने के साथ मेरी दुश्मनी रहती है। क्यों रहती है? हर बार आता हूँ, घेने को प्यार करता हूँ, दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार लात पड़ती है। असलम साहब इधर आ जाएं, जरा घेने के पास आ जाएं। भाईजान मैं दोस्त हूँ आपका, इधर आ जाएं। लगता है इससे दोस्ती हो जाएगी। अच्छा मेरे साथ एक बड़ा मसला है, जिस कैटल फार्म में जाता हूँ, जहाँ मंडी में जाता हूँ, लात जरूर पड़ती है, और ज्यादातर लात पड़ती है घेनों से। ये शरारती होते हैं क्या दादा? ये छोटे नस्ल में होते हैं, बहुत शरारती होते हैं, ये बहुत ज्यादा शरारत करते हैं, बच्चों की तरह बहुत ज्यादा शरारतें करते हैं। अच्छा लगते भी बड़े मासूम से, क्यूट से, ये भारी वजनी जिस्म होता है, छोटी छोटी टांगे होती है, तो बड़े मटक मटक के चलते हैं, तो बच्चों को ज्यादा पसंद आते हैं ये। अभी देखे, अभी ये वो देखे नाजरीन, भाग गया वो, चले गया, उसको कोई परवाह नहीं है कि टीवी पर आना है, प्रोग्राम चल रहा है, होस्ट खड़ा हुआ है, सवाल करेगा, रस्सी पकड़ेगा, कोई परवाह नहीं है उसको, सिर्फ ये है कि रस्सी छोड़ो और मैंने बन जाना है जहाज। तो ये ज्यादा पसंद किए जाते हैं? हाँ लोग पसंद करते हैं भैया। अच्छा इनकी खासियत यही होती है, कद छोटा रहता है इनका, छोटा रहता है, वजन माशाल्लाह खूबसूरत होता है, बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा जैसे मुख्तलिफ जगहों पर एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, अभी हमने क्रॉस की बात की, तो कभी घेने बछड़े या बच्चिया का किसी के साथ क्रॉस करा के देखा है कि क्या रिजल्ट आता है? नहीं हमने देखा, ये तो कुदरत की बात है भैया, कुदरत की बात है जी। अगर घेने का क्रॉस कराया जाए, सोचे घेने का भ्रमण के साथ करा दिया जाए, तो बछड़ा कैसा होगा? खूबसूरत होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा। जी आगे चलेंगे, और आपके पास सुना है बड़े खूबसूरत खूबसूरत बछड़े सारे मंगवा लें आज, जो लोग यहाँ पर ना जा रहे हैं और इस कैटल फार्म का विजिट करेंगे, तो हम भी देखेंगे कौन कौन से बछड़े। नाज़रीन जैसे मैंने आपको बताया था, इस कैटल फार्म का सबसे चुलबुला बछड़ा शायद, अरे आ गया जी, मेरे पीछे ये खड़ा हुआ यहाँ पर, और ये देखें, ये इसकी खासियत है, ये हमेशा सर उठाकर जो है ना वो चलता है और इसी तरह खड़ा रहता है। थोड़ा सा मस्ती मजाक इसके साथ करेंगे, छेड़खानी करेंगे, पहले ही मना कर दिया असलम साहब ने मुझे कि कोई छेड़खानी नहीं करनी है। देखें जी ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। जनाब पता चले कि आप इस कैटल फार्म की शान है, जान है, बात तो कर लें सर, मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। इतनी देर से हम ऑडियंस को वेट करा रहे हैं, जो व्यूवर्स हैं, कि आप देखेंगे हमारे पास सबसे चुलबुला बछड़ा है। क्यों है आप इतने चुलबुले? ओहो हो भाई, ये मुझे लग रहा है कि मेरी इनसे नहीं बनेगी, मैं इधर आ जाता हूँ। ये वो बछड़ा जिसका हम जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू से, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा इसका नाम, फिर इसकी नस्ल। ये माशाल्लाह जी इसका नाम है इमरान खान, ये अच्छा। ये ऑस्ट्रेलियन क्रॉस में बछड़ा है माशाल्लाह जी। खान साहब नाम रखने की वजह क्या थी? ये भैया किसी के काबू में नहीं आता, किसी की किसी की नहीं सुनता, किसी की ना मानता ना सुनता, इसने अपनी मर्जी करनी है भैया, कुछ नहीं मानता, कोई भी बात कर लो, चलाना टहलाना हो अपनी मर्जी से, ये अपनी मर्जी से टहलेगा, अपनी मर्जी से खाएगा पिएगा भैया, दौड़ेगा भागेगा। ये क्या क्रॉस है? ये क्रॉस में माशाल्लाह। ठीक है जी, ये किस चीज का है ये? मतलब साहिवाली? ये साहिवाल और ऑस्ट्रेलियन का क्रॉस है। ठीक है, तो ये खाने वाने में तंग तो नहीं करता ज्यादा, या ज्यादा खाता है? नहीं ज्यादा खाता है माशाल्लाह। अच्छा ये सबसे ज्यादा चुलबुला यहाँ का बछड़ा? हाँ जी माशाल्लाह। तो इसको कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पर रखे हुए, और फिर साहिवाल में रखे हुए, फिर यहाँ पर लेकर आए? ये मुझे यहाँ 10 दिन हो गया साहिवाल में, 2 साल पाला है माशाल्लाह। 2 साल तक इस बछड़े को पाला है, और इस बछड़े की खूबसूरती अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है ये जो इसके नीचे जो स्किन है ना, ये बड़ी शाइन करती है। अच्छा इसकी एक अलग ही चमक है इस बछड़े की, और इस ओहो हो देख रहे हैं, गुस्सा देख रहे हैं आप, ये देखें सारे कपड़ों पर आ गया जनाब। गुस्सा किस बात का है? आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपको दिखा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नो, गर्दन हिला दिए, मना कर दिया है कि कुछ नहीं कहना चाहता, वाकई अपनी मर्जी के मालिक हैं जनाब, घूम गए भाई घूम गए, उनको बोल, वो बोल रहे कैमरा बंद करो। सर मैं आपसे बात कर लूँ थोड़ी सी, असलम साहब से तो बहुत बात हो गई है, बोलना चाह रहे नो, आ रहे सुनाई दे रहे मुझे, नो कह रहे हैं, चले जी। अच्छा ये इस तरह इतना एग्रेसिव क्यों रहता है, हिलता जुलता रहता है, गुस्सा इसको देख के लग रहा है कि गुस्से में? ये गुस्से वाला बछड़ा है भैया, कभी इसको मस्तियां करते उछलते कूदते देखा आपने? अभी दिखा देते हैं। अच्छा मस्तियां भी करते हैं ये तो? मस्ती ज्यादा है भैया, मस्तियां ज्यादा करता है, ज्यादा करता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मुझसे क्यों इतना खफा है। पता नहीं भैया आपने इनके खिलाफ कुछ बोल दिया होगा। मैंने तो इनके खिलाफ क्या है, कभी नहीं बोला, हमेशा इनकी तारीफ की है, हमेशा तारीफ की है मैंने इन बछड़ों की। आज इनको तारीफ पसंद नहीं आई, आपने काम की होगी फिर।
चलें जी, इसको इसको लेकर चलेंगे। इधर आ जाए जनाब, इधर 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 इधर। अरे 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 अरे। अच्छा मैंने ये देखा, ये बिल्कुल जो है ना वो नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया हुआ है, कोई मूड नहीं है बात करने का, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह है बहुत खूबसूरत बछड़ा। अगर इसको यहाँ से दिखाया जाए, मुनव्वर इधर आएँ ज़रा, इसकी स्किन दिखाई जाए और इसकी तवील कदो कामत दिखाई जाए। मैं इसके साथ खड़ा होता हूँ, ये देखें जी निकल गए अपनी वॉक पर, कोई लिफ्ट ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम आपको और बछड़े भी दिखाएंगे, लेकिन आपने देखा कि शाह कटल फार्म के ऊपर कितने खूबसूरत किस्म के बछड़े मौजूद हैं। कुछ चुलबुले भी हैं, कुछ क्रॉस भी हैं, साईवाली भी हैं, लाल भी हैं, और ये जो बछड़ा है, अच्छा मैं इसके बारे में असलम साहब एक बात बताएं, मुझे मुझे ऐसे माशाल्लाह से बछड़े बड़े पसंद आए ये वाले सारे, लेकिन ये ख़ास तौर पर मुझे पसंद आया जिसका नाम आपने इमरान खान रखा हुआ है। कुछ डील कर लें अगर मुनासिब कीमत है इसकी, मुनासिब ही दे देंगे आपको उससे, इसकी बात बन सकती है इंशाल्लाह, क्यों नहीं बनेगी, इंशाल्लाह बनेगी। तो नाज़रीन बात बना ली जाए, मुनव्वर बात बना लें, इनके साथ डील बना लें, कर लें डील। इसके बारे में बताएं, अगर मैं लेके जाता हूँ ये गाड़ी से, जैसे बच्चों को शौक होता है, उतारते हैं हम और फिर बच्चे शोर मचाते हैं कि बछड़ा जो है वो शोर मचाएगा, ये वो करेगा सारी हरकतें? ये तो माशाल्लाह भागेगा और कूदेगा, नचा के तो नहीं रख देगा, पता चले भाग जाए, मेरे दुम रस्सी पकड़ के पीछे भाग रहा हूँ तो बस थोड़ा सा भागेगा, क्योंकि इतना बड़ा जानवर ज्यादा भागता नहीं है। अच्छा इनसे फिर जब ये इतने एग्रेसिव होते हैं, इतने गुस्से के तेज होते हैं, ये दोस्ती कैसे कर लेते हैं आप? बस इनको भाई 24 घंटे की बच्चों की तरह रखते हैं तो प्यार तो हो जाता है। अच्छा ये इनमें वो सेंस होता है, ये देख के पहचानते हैं कि हाँ ये मालिक है, ये रोजाना साथ होता है? हाँ जी बिल्कुल, इनको सेंस होता है जानवर को, भैया इतना मालिक को पहचानते हैं। जैसे मैं अब नया बंदा आया हूँ और फिर मैं खड़ा हूँ तो ये थोड़ा सा परेशान हो रहा है, आप खड़े हो उसके साथ ये परेशान हो रही है, पहचान जाते हैं? पहचान जाते हैं, इनमें ये हिस होती है? बिल्कुल जी जानवर में। आप इस कैटल फार्म के अंदर और ख़ास तौर पर जब तमाम जानवरों में घूमते हैं, एक होता है सबसे ज़्यादा पसंद होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद? यही माशाल्लाह इमरान, यही पसंद है माशाल्लाह। तो इस बार दुख होगा या खुशी होगी, किस तरह के जज्बात होंगे जब इसको बेच देंगे कि भाई डील हो गई है? भाई हम अल्लाह की राह के लिए कुर्बान करने के लिए बछड़े तैयार करते हैं और जब हम बेचते हैं तो खुश होते हैं माशाल्लाह। वाह भाई क्या बात है, क्या बात है, ये इसकी रस्सी मुझे दे दें अगर इससे दोस्ती हो जाए। जी नाजरीन बड़ा खूबसूरत ये बछड़ा है, दोस्ती वोस्ती हो गई है, चलें फिर, डील कर ली है मैंने असलम साहब से, चलना है। नाजरीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने का इस कैटल फार्म से, तो क्या पता आप भी दुआ करें अगले जब प्रोग्राम के अंदर हम हाजिर होंगे तो डील हो चुकी होगी, और अगर अभी ये मेरे साथ चलने के लिए राज़ी हो गया तो फिर हम डील कर लेंगे। अपने मेज़बान बिलाल खान को और इस खूबसूरत बछड़े को दीजिए इजाज़त, एक बार फिर हाजिर होंगे नए एपिसोड के अंदर और देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता। अल्लाह हाफिज़।